देखो देखो ये कहीं गिरा तो नहीं रहा है कोई, खासकर ये जो चार लोग हैं इसमें छोटे छोटे, एक समय में एक गिराना नहीं है। हो जा आ जा इधर। चीज देखो, आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? सनफ्लावर स्कूल में पढ़ते हैं या बीएमसी स्कूल में पढ़ते हैं या प्राइवेट स्कूल में? कहीं भी सनफ्लावर भी प्राइवेट है। आपको आपके माता पिता से और आपके घर से सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज नहीं मिल रही है। ये इस चीज़ का कितनी बार बताया, पिछले कितने देर से मैं बता ही रहा हूँ कि एक समय में एक बॉल। मैंने कहा था ये चार लोग हैं, ये गलती क्यों करेंगे? मैं सिर्फ आपको यहाँ फिजिकल ट्रेनिंग नहीं दे रहा हूँ बल्कि आपका मानसिक स्तर पर भी विकास कर रहा हूँ, सामाजिक स्तर पर भी आपको शिक्षा दे रहा हूँ और मार्गदर्शन दे रहा हूँ। हमारे यहाँ का कुत्ता कैसे भौंकता है, कोई हाथ खड़ा करके भौंक कर बताओ, बोलो। और इंग्लैंड का जो कुत्ता है वो कैसे भौंकता है? जैसे हमारे यहाँ का कुत्ता, अमेरिका का, न्यूजीलैंड का, चाइना का, थाईलैंड का, हर जगह का कुत्ता वैसे ही भौंकता है। हमारे यहाँ का कौवा कैसे काँव काँव करता है? पूरी दुनिया के कौवे वैसे ही काँव काँव करते हैं। कोयल जैसे कूक रही है वैसे ही सब जगह करती है। इंसानों की बोलियाँ अलग अलग, जो वो भी ईश्वर के बनाए गए हैं और ये भी, लेकिन इंसानों की बोलियाँ क्यों अलग अलग हैं? क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा क्या दिया, उसका उसने सदुपयोग की जगह दुरुपयोग ज़्यादा किया। मेरी इंग्लिश भाषा है, मेरे देश में तो इतनी भाषाएं हैं कि आप काउंट करोगे तो 200 के ऊपर भाषाएं निकल जाएंगी, बल्कि हो सकता है कि अगर आप देसी डायलेक्ट जोड़ेंगे 1000 के ऊपर भाषाएं निकल जाएंगी हमारे देश में, क्योंकि हर किसी की अपनी डफली अपना राग है। गुजराती चाहता मैं गुजराती बोलूँ, मराठी चाहता मैं मराठी बोलूँ, तमिल वाले हिंदी बोलने को तैयार नहीं है, इसका मतलब तेलुगु वाले, केरला वाले, कोई नहीं है तैयार। तो यहाँ बात हो रही थी, हम किसी का विरोध नहीं करते। आपको हवा शुद्ध देने का किसका अधिकार है, किसका कर्तव्य है? सरकार का। पानी शुद्ध देने का किसका कर्तव्य है? आपको हवा शुद्ध मिल रही है? पानी शुद्ध मिल रहा है, सड़कें अच्छी मिल रही हैं, सरकारी स्कूल अच्छे मिल रहे हैं, सरकारी अस्पताल अच्छे मिल रहे हैं, सरकारी सेवाएं अच्छी मिल रही हैं। कभी विरोध किया? क्योंकि आपके माता पिता ने भी नहीं किया, आपके शिक्षा विभाग ने नहीं, यानी कि आपके स्कूल ने नहीं किया, आपके टीचर ने नहीं किया, एंड नहीं किया तो वही आप लोग सीख गए। इसका मतलब अगर आप देखेंगे तो ये जो पूरा समाज है ये सामान्य ज्ञान के स्तर पर, बेसिक नॉलेजेस के स्तर पर, वैल्यूज के स्तर पर एकदम क्या है? जीरो। हमें अपना धर्म नहीं मालूम, हम दूसरे के धर्म की बुराई करते हैं। अपना धर्म मालूम है? अगर अपना धर्म मालूम है तो मुझे बताओ कि ओम भूर्भुवः स्वः किसका मंत्र है? हनुमान जी का। गायत्री है। और क्या है ये गायत्री, किस चीज का है? बोलकर सुनाओ। ओम भूम ओ अरे बोलो, एक मिनट इसको बोलने दो। हाँ बोलो बोलो, अरे उसको बोलने दो जब इतना आता है उसको। ओम भूम भूम स्वाहा सस्य दुर्गदेव वर्गो देव सदी मदि। ओम भूर भुवः स्वः तत् सवितुर् वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये महामंत्र कहलाता है। सूर्य की उपासना भी कर सकते हैं, इससे बुद्धि की प्राप्ति होती है, एकाग्रता की प्राप्ति होती है, और जो सबसे बड़ी चीज है सफलता, उसकी प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान मिलता है और आपके शरीर को शांति, मन को शांति, रचनात्मकता, हृदय को रचनात्मकता मिलती है। अगर इसको आपने सिद्ध कर लिया, विश्व के महानतम इंसान आप बन सकते हैं। यू कैन बी द ग्रेटेस्ट ह्यूमन बींग ऑफ द वर्ल्ड। जो बोले सो निहाल।